गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5th करेंगे। चैप्टर का नेम है एडवांस पावर पॉइंट पार्ट 1। लास्ट चैप्टर में हमने पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हम एडवांस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन द लास्ट चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ पावर पॉइंट, हमने बेसिक पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम एडवांस फीचर ऑफ पावर पॉइंट, इस चैप्टर में हम इसके एडवांस फीचर्स को पढ़ेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेजेस ऑफ स्लाइड और स्लाइड्स विच मे कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स, मूवीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। हम पावर पॉइंट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अलग अलग पेजेस पे ऐड कर सकते हैं, जिसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार होती है। सबसे पहले देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। हमने अगर नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन फाइल बटन। सबसे पहले आप फाइल बटन पे क्लिक करोगे, देन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स ऑन स्क्रीन, ऐसा एक मेन्यू आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन की ऑप्शन दिखाई देगी। जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऐसा ओपन हो जाएगा और इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल प्लस एन। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करोगे तब भी आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिंग अ टेक्स्ट टू स्लाइड्स। अगर आपने स्लाइड्स में टेक्स्ट को ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे, इसके स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, यहाँ पे होम के साथ आपको इंसर्ट टैब भी होती है सेकंड नंबर पे, इसको क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा, नीचे ऑप्शन दिखाई देगी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की। जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट बुक ऐसा दिखाई देगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो पोजीशन को, अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो या फिर उसको यहाँ पे किसी भी तरफ इसको ड्रैग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट ऑफ स्लाइड्स। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे स्लाइड्स में, टेक्स्ट जो भी आपने लिखा है उसको फॉर्मेट करना है, सपोज आपने उसको अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, ये सब चीज़ें कैसे होंगी। सेम ऐसे ही पहले आप टेक्स्ट बॉक्स लेके उसके अंदर उसको पहले लिख लोगे जो भी कंटेंट लिखना होगा आपने, उसके बाद आप क्लिक करोगे पैराग्राफ के ऑप्शन पे जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, फॉन्ट का साइज, शेडो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड्स। न्यू स्लाइड को कैसे इंसर्ट करना है, सपोज प्रेजेंटेशन तो आपने क्रिएट कर ली हुई है, नहीं उसके अंदर आपको एक स्लाइड और क्रिएट करनी है, मतलब आपको एक स्लाइड के अंदर कुछ और लिखना है, तो आप उसको कैसे ऐड करोगे। होम बटन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे न्यू स्लाइड की ऑप्शन होगी और वहाँ पे आपको गैलरी का थंबनेल दिखाई देगा, वहाँ पे आप उसमें से चूज कर सकते हो, एक नई स्लाइड आप क्रिएट कर लोगे, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एम। ये देखो यहाँ पे आप होम टैब पे जाओगे, न्यू स्लाइड पे जाओगे, आपको अलग अलग थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको चाहिए वैसा आप उसको चूज कर सकते हो और यहाँ पे वो नई स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। हाउ टू चेंज द स्लाइड लेआउट, स्लाइड का लेआउट कैसे चेंज करना है, सेम ऐसे ही जब आप उसको चेंज करना चाहते हो आपने लेआउट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, जो कि कहाँ पे होता है इसी के आपको दिखाई देगा लेआउट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, आपको अलग अलग यहाँ पे चेंजेस मिल जाएंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। हाउ टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ स्लाइड, स्लाइड की अपीयरेंस को कैसे चेंज करेंगे। एज वी क्रिएट अवर प्रेजेंटेशन वी माइट नीड टू मेक चेंजेस टू द अपीयरेंस ऑफ स्लाइड, जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं हमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ते हैं कई बार अपीयरेंस में, सच एज चेंजिंग बैकग्राउंड, सपोज कर दो कि आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, कोई हेडर लगाना है, फुटर लगाना है, आप उसकी बैकग्राउंड को कुछ पिक्चर लगाना चाहते हो, ऐसे चेंजेस आप चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं, आप थीम्स के साथ कर सकते हो, वर्किंग विद थीम्स। थीम्स क्या करती हैं, इसमें कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स आपको प्रोवाइड करती है अलग अलग टाइप के, जो भी थीम आपको पसंद आए आप पूरी प्रेजेंटेशन पे और अलग अलग साइट्स पे उसको अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे अप्लाई करेंगे, आप डिज़ाइन टैब पे जाओगे,
यहीं पे इंसर्ट के साथ थर्ड नंबर पे डिज़ाइन टैब होती है, यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो, अलग अलग थीम्स दी गई हैं, जो भी थीम्स जो भी कलर के अकॉर्डिंग आपको अच्छी लगे उस स्लाइड को सिलेक्ट करके आप थीम पे क्लिक करके आप उसको चूज कर सकते हो। चेंजिंग बैकग्राउंड स्टाइल, अब बैकग्राउंड का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, सपोज आपने कोई चार्ट लिया है, कोई इमेज ली है, कोई भी पिक्चर ली हुई है, उसके बैकग्राउंड को आप चेंज करना चाहते हो, वो कैसे करोगे? सेम ऐसे ही डिज़ाइन टैब पे क्लिक करोगे, बैकग्राउंड स्टाइल्स की आपको ऑप्शन मिल जाएगी, वहाँ पे आपको 12 टाइप के बैकग्राउंड्स दिखाई देंगे जो कि आप चूज कर सकते हो, जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद आए आप उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। देखो डिज़ाइन के ऑप्शन में आपको ये अलग अलग बैकग्राउंड्स दिखाई देंगे, जो भी आपको पसंद आए आप अप्लाई कर ले सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्मेट बैकग्राउंड, अगर आपने जो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है उसका फॉर्मेट करना है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप कैसे करोगे? डिज़ाइन टैब पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन बैकग्राउंड स्टाइल इन बैकग्राउंड ग्रुप, बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर बैकग्राउंड स्टाइल की ऑप्शन आएगी, क्लिक ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे ऐसे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यहाँ से आप चूज कर सकते हो कौन सी ऑप्शन आपको सेट करनी है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी है, कलर कौन सा लेना है, पिक्चर फिल करनी है या नहीं करनी, सॉलिड कलर चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हो और क्लोज कर दोगे। ये सारे ऑप्शंस दिखाए गए हैं जो कि इस विंडो में आपको दिखाए थे, इन्हीं को एक्सप्लेन करा हुआ है कि थीम कौन सी आप अप्लाई करी है, स्टैंडर्ड कलर कौन कौन से हैं आपके पास अवेलेबल, आप उनमें से चूज कर सकते हो, रीसेंट कलर कौन कौन से हैं उनमें से कलर चूज कर सकते हो, मोर कलर्स में जाके आपको एक्स्ट्रा कलर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद है ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट फिल क्या होता है, 2 और 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये कलर मिक्सचर होता है, आप इसको भी बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन आपको दिखाए गए हैं, इसे हम ग्रेडियंट फिल बोलते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड पे टेक्स्ट के कोई पीछे पिक्चर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, यहाँ पे पिक्चर्स की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है, अलग अलग टाइप की पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं बैकग्राउंड की, यहाँ से आप वो भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है पैटर्न फिल, पैटर्न फिल भी बैकग्राउंड पिक्चर का ही काम करता है, इसमें आपको लाइन्स मिल जाती हैं, स्लाइड्स मिल जाती हैं, डैशेस मिल जाते हैं, ऐसा पैटर्न आपको प्रोवाइड कर देते हैं जो कि आप फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर के साथ चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है एडिंग अ कंटेंट टू अ स्लाइड, वर्ड चार्ट, क्लिप आर्ट, शेप्स, टेबल, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, मूवी, वीडियो एटसेट्रा, इनमें से कोई भी चीज़ें ऐड करनी हो तो वो कैसे करेंगे? द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स इंक्लूड इन्फॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, चार्ट्स, प्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं विच वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस, जो कि हम कम्युनिकेट करते हैं ऑडियंस के साथ। अगर हमने डाटा को प्रेजेंट करना हो या रिप्रेजेंट करना है इन दी फॉर्म ऑफ चार्ट एंड टेबल्स में तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, इसलिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। हम इंसर्ट टैब में जाके क्लिप आर्ट में से हम यहाँ से शेप्स दे सकते हैं, आइकन्स बना सकते हैं, 3D शेप्स दे सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से यूज़ करके उसको वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में स्लाइड व्यू की ऑप्शन क्या करती है? जब हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, नंबर ऑफ स्लाइड्स को हम जब प्रेजेंट करना होता है तो हम प्रेजेंटेशन व्यू को, स्लाइड व्यू को यूज़ करते हैं, जो कि हमारी प्रेजेंटेशन को स्लाइड के रूप में हमें दिखाता है। इसमें बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, नॉर्मल हो सकती है, स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स पेज व्यू है, रीडिंग व्यू है, मास्टर व्यू है, आपको दिखाती हूँ आगे कि ये सारी चीज़ें यूज़ कैसे हो सकती हैं। नॉर्मल व्यू में क्या होता है, नॉर्मल स्लाइड्स एक टाइम पे एक आती है, देन नेक्स्ट हम इसको बार बार चेंज करते हैं, उसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जब इसको स्लाइडर पे लगा देते हैं तो बार बार सारी स्लाइड्स जो हैं एक के बाद एक मूव करती रहेंगी। देन है स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसमें आप स्लाइड्स को चेंज कर सकते हो, उनकी ट्रांजिशन कैसी चाहिए, स्पीड कैसी चाहिए, डिस्प्ले का टाइम कैसा चाहिए, इस सब सारी चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है नोट्स पेज, नोट्स पेज क्या करता है, हमें ये हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि हम इसको नॉर्मल व्यू में अवेलेबल तो कर सकते हैं, अगर आपने अपर पार्ट जो है, हाफ ऑफ द विंडो जो है आपने उसको शो करवाना है और बॉटम हाफ जो है नई विंडो में शो करवाना है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। रीडिंग व्यू में क्या होगा, इसके नेम से ही सजेस्ट कर रहा है, एक प्रूफ रीडिंग प्रोवाइड करता है आपको प्रेजेंटेशन की,
पर इसको एक टाइम पे ये एक ही प्रोवाइड करेगा आपको कंप्यूटर, बट यूजर कैन नॉट डिलीवर इट टू एनीवन। हम इसे रीड कर सकते हैं, मतलब डिलीवर नहीं कर सकते, सिर्फ रीडिंग व्यू के लिए ही ये यूज किया जाता है। मास्टर व्यू, स्लाइड हैंडआउट्स एंड नोट्स, ये क्या करता है, एक स्लाइड मास्टर है। इज द टॉप ऑफ द स्लाइड इन हायरार्की ऑफ स्लाइड्स दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द थीम्स एंड स्लाइड लेआउट ऑफ प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड कलर फॉन्ट्स। जो भी हमने प्रेजेंटेशन में इफेक्ट्स अप्लाई करे हैं उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, स्टाइल क्या है, टेक्स्ट क्या है, थीम कौन सी है, ये सारी उन चीज़ों को स्टोर करता है।